ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां जारी हैं। लाहौर से दो कौमी और दो सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए पार्टी टिकट जमा करवाने का वक्त खत्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से किन किन उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में टिकट जमा करवाया है, इसी पर बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद, बताइएगा तीनों जमातों में से किन किन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा करवाया है? जी बिल्कुल, अगर एन ए 124 की बात करें तो एन ए 124 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से गुलाम मोहीद्दीन देवान ने जो है वो टिकट जमा करवा लिया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अबासी ने जो है वो पार्टी टिकट जमा करवाया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एन ए 131 की, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खाली कसर नशीत थी, तो वहाँ से जो है वो ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है पार्टी टिकट जमा करवाया है। जबकि अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो है हुमायूं अख्तर ने जो है वो पार्टी टिकट जमा करवा दिया है। इसी तरह जो है वो सूबाई असम्बलियों की दो जो है सूबाई असम्बलियों की निश्चर को कागजात जो है वो कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के अमल के बाद जो है आज पार्टी टिकट उम्मीदवारों ने जमा करवा दिए हैं। एन ए 164 की बात करें तो पीबी 164 से यूसुफ अली ने पार्टी टिकट जो है वो तहरीक इंसाफ की जानब से जमा करवाया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है वो सहेल शौकत भट्ट, और 165 पीबी की बात करें तो तहरीक इंसाफ की जानब से चौधरी मंशा सिंधु ने पार्टी टिकट जमा करवाया है। पार्टी टिकट जमा करवाने का वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने।